हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने पशुशाला से। तो देख लीजिए, ये है हमारे पशु। तो सुबह सुबह ही मम्मी जी को बहुत काम होता है इन पशुओं का। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है बेहद खास, क्योंकि मैंने और पति जी ने खेले गेम। तो आप यहाँ पे मक्खी को छीलने का कंपटीशन तैयार हो गया है, तो देखिए कौन सबसे ज़्यादा मक्खियाँ छीलता है। एक मिनट का कंपटीशन है वैसे। तो यहाँ पे कंपटीशन में भाग ले लिया है। इसने अभी दो किए मैंने तीन। पटाखे बज गए, बस एक मिनट हो गया है। मैं भी नर हूँ। दो चार, दो छः, दो आठ, नौ, ये ले इनको पांच करवा देते। एक दो, दो चार, मेरे पांच जाओ जीती। तुम मेरी जीती बुरा हाल सने। तुम मेरी जीती है ना 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 पटाखे मेरी जीतता बरो। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लगा था मक्की छीलने का कंपटीशन। तो यहाँ पे पतिदेव की बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई। इन्होंने मेरी मक्खियाँ चुराने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी इनको जीत नहीं मिली। तो इसकी विजेता मैं बन गई हूँ। तो ये जो हसीन नज़ारा है, ये है मेरे घर के आसपास का, जो मेरे दादू का घर था। तो ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो यहाँ पे जब हम लोग घर पे आ गए थे, तो रास्ते में खेत में मुझे एक दो बच्चे बिल्ली के मिल गए। तो मैं आपको उनसे भी मिलवा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, अरबी की खेतों में ये बेचारे छुपे हुए थे। तो दादू के घर के आने के बाद हम लोग गए थे कहीं घूमने। तो कहाँ गए थे मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है हमारे घर के आसपास ही कुछ एरिया। तो हम लोग गए थे यहाँ पे घूमने, और देख लीजिए बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पतिदेव, मैं और मेरा छोटा भाई गया था। तो ये देख लीजिए, खड़ के साथ ही एक सत्संग घर बनाया है निचली साइड को। तो ये जो आपको छत जैसे दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये सत्संग घर बनाया हुआ है। और बहुत ही सुंदर नज़ारा था, क्योंकि बारिश हो गई थी और बारिश के बाद मौसम इस तरह का बना हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, आजकल बरसात का टाइम है, तो जिस जगह से हम आ रहे थे उसमें देख लीजिए सड़क में कितना पानी ही पानी था। तो इसमें जो है ड्राइव बहुत ही सेफ तरीके से करनी पड़ती है। तो इस तरह के रास्ते जो होते हैं वो फिसलन भरे होते हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो गाँव के लोगों को इस तरह के रास्तों पर चलने का बहुत ही तजुर्बा है। तो अब हम पहुंच गए हैं एक नई जगह। तो ये है मेरे घर के पास ही, जो मेरा ससुराल वाला घर है, तो उसके थोड़ी सी दूर एक मार्केट है। तो ये है भराड़ी। तो अगर मेरा कोई भी सब्सक्राइबर इस गांव से है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे यहाँ से भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। तो इस तरह की मार्केट यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी आपको सारा सामान मिल जाएगा, जो भी आपने लेना हो।
तो जैसे यहाँ पे बिजली वगैरह का सामान, यहाँ पे सारी सुख सुविधाएँ होती है हमारे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि गांव है तो गांव वाले एरिया में आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लगभग मिल जाएगी। तो डियर फ्रेंड, जो शुरू में आपने क्लिप देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था, यहाँ पे असली मूवी शुरू हुई। तो ये देख लीजिए, हम लोगों ने जो है अपने खेतों से थोड़ी सी मक्की निकाल दी है। तो ये मक्की जो है हमारे खेतों से निकली हुई है, तो ये हमारे खेतों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है मक्की। तो ये उसका लगभग आधे हिस्से का भी चौथा हिस्सा है। तो ये जो है बंदर वगैरह भी इनको खा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि जो भी पकी पकी हुई मक्कियाँ हैं तो उनको निकाल लेना ही बेहतर है। तो इस तरह की मक्की जो है हमारे खेतों में हुई है बड़ी बड़ी, तो इनमें दाने भी अच्छे हुए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इनको खेतों से निकाला। तो इस तरह से मक्की को पौधों से निकालना पड़ता है और बोरी में भर के घर पर ले जा कर उनके दाने अलग करने पड़ते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू। और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो अब प्रियंका ने कमेंट्री बॉक्स में मुझे बिठा दिया है, तो आप देख सकते हैं मक्की का तुरान लाइव यहाँ पे, और ये है हमारे घर की फ्रेश मक्कियाँ। तो कोई भी काम हो, देखिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तभी उसका रिजल्ट मिलता है। बाकी हम मक्की इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे इस साइड पर काफ़ी ज़्यादा उजाड़ आ गई है, सुअर वगैरह खेतों में आ गए हैं और बंदरों ने भी काफ़ी तबाही मचाना शुरू कर दी है। तो जो जो मक्कियाँ पक गई हैं उनको हम निकाल रहे हैं। कुछ इस तरह से हम प्लास्टिक के बैग्स और बोरियाँ अपने साथ खेतों में लेकर जाते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से हम इकट्ठी करते हैं खेतों के अंदर ही ये मक्कियाँ। तो ये जो देख रहे हैं आप, इनको हम ढेर बोलते हैं। तो ये मक्की का ढेर लगा दिया है हमने। तो इसी तरह पूरे खेत में चार पाँच जगह पर हम ढेर लगाते हैं और फिर हम पैक करते हैं उनको बोरियों में, मक्कियों को इस तरह से, और उसके बाद हम इन्हें घर ले आते हैं। तो हमारा गाँव का घर देखिए इसीलिए बनाया हुआ है हमने, ताकि हम थक हार जाएं तो उसमें थोड़ा सा आराम कर दें। तो ये देखिए, हम मक्की का तुड़ान करने के बाद यहाँ पे गांव वाले घर में बैठ गए हैं, हमने फ़ैन लगा दिया है और थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं। और साथ में ये ढेर देख सकते हैं, ये हमने अभी लाया खेतों से, एकदम फ्रेश मक्की है और बहुत ही टेस्टी होती है ये मक्की। तो अब काम स्टार्ट हो गया है मक्की का। देखिए, हम खेतों से जो मक्की ले आए थे हम उनके छिलकों को उतार रहे हैं, और जो मक्की है वो भी आप लोगों ने देखी हमारी, ये है हमारी मक्की। तो इसको अब हम धूप में अच्छी तरह से सुखाएंगे, और जो इसके ये जो छिलके हैं ये पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। तो देखिए, इसमें से कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। तो मम्मी और प्रियंका देखिए लगी है छिलकों को निकालने मक्की के, और इन्होंने ढेर देखिए लगा दिया है यहाँ पे छिलके उतार के मक्की का। तो कितनी अच्छी और सुंदर दिख रही है मक्की का ढेर, बहुत ही प्यारा। तो
तो सभी मक्खियों को छीलने के बाद जो इनके छिलके हैं इन सभी को प्रियंका बाहर ले जा रही है और सूखने के लिए डाल रही है। तो ये छिलके जो हैं मक्खी के, ये भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। जो हमारे गांव वगैरह में जो हमारा कल्चर है वहाँ पे औरतें इनकी बैठकू भी बनाती है, मतलब बैठने के काम आती है। जैसे आपने देखा होगा शादियों वगैरह में तो जो लंबी लंबी सी पंदे होती हैं तो इनकी भी बनाई जा सकती हैं वैसी, और इनके बिन्ने भी बनाए जाते हैं जिस तरह से प्रियंका की आंटी ने बनाए हुए थे आपने पिछले ब्लॉग्स में देखे। तो जो ऐसी गांव की संस्कृति है उनको छोड़ना नहीं चाहिए, हमारी न्यू जनरेशन को सीखनी चाहिए ये सारी बातें, ताकि हमारे गांव के कल्चर को आगे बढ़ावा मिल सके और एक अच्छी पहचान मिल सके। और मौसम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आसमान में बादल कुछ इस तरह से बने हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो ये भी आप लोगों के लिए कैप्चर कर दिया। और हमारे गांव के लोग देखिए काफ़ी मेहनती होते हैं, पशुपालन वगैरह और काफ़ी हार्ड वर्क करके वो गुजारा करते हैं अपनी लाइफ का, और तब भी खुश रहते हैं वो अपनी जिंदगानी में। और यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा होता है गांव का, बिना पोल्यूशन के और एकदम शांत वातावरण। बाकी आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे ब्लॉग जरूर पसंद आ रहे होंगे। बाकी आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं हमारे चैनल पे तो वो दर्शाते हैं कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, और हम अपने ब्लॉग्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हिमाचली कल्चर, और हमारा यही प्रयास रहता है कि जो हमारे यूट्यूब फैमिली है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हो और कुछ ना कुछ उनको भी मोटिवेशन मिले हमारे चैनल के थ्रू, क्योंकि जो हमारी हिमाचली संस्कृति है बहुत ही प्यारी है। तो यही है प्योर सोना, देखिए वो बोलते हैं ना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो यही असली सोना है फ्रेंड्स। देखिए येलो कलर में देखिए, और कितनी चमकदार मक्खियाँ हैं, ये बहुत ही प्यारी और सुंदर दिख रही हैं। बाकी आप लोगों के अच्छे से अच्छे कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें, आप लोगों के ही सामने हमने इन मक्खियों के पौधों को बीजा हुआ था और आप सभी के सामने हमें हमारे परिश्रम का फल मिला है। तो तभी बोलते हैं कि परिश्रम करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल अपने आप मिलेगा। तो हमारे आज के ब्लॉग में था फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।